हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा एंड मायरा। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो ये थी राकेश की रेस की तैयारी, जो कि उसने अपने रेस के लिए पैक किया था। राकेश जा रहे 50 किलोमीटर ट्रेल रन, यस। तो उसके लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें पैक की थी। इनका डिटेल वीडियो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा, मे बी मैं डालूंगी नेक्स्ट आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीज़ें थी जो उन्होंने पैक की थी, उनको रिक्वायरमेंट थी। और ये सारी चीज़ें इतनी परफेक्टली फैट पैक हुई थी ना, कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा और कुछ भी कम नहीं पड़ा उस टाइप का। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें पैक कर ली थी, क्योंकि वो आज जा रहे थे। तो हमने यहाँ पे किया उनको बाय बाय। और ऑल सेट फॉर द अल्ट्रा नाउ। ऑटो में बैठ के चल पड़े हैं एंड स्टार्टिंग ऑफ द डे। और ये वो पहुंच गए थे बस स्टैंड के साइड, क्योंकि वो जा रहे थे बस से ट्रैवल करके, क्योंकि वो जगह यहाँ से 3-4 घंटे दूर है, तो वो जा रहे थे बस से। तो ये है, देखिए ये है यहाँ का वाइजे का बस स्टैंड, जो कि हमने फ़र्स्ट टाइम देखा है। मतलब उससे पहले कभी बस स्टैंड जाने का टाइम ही नहीं, मतलब मौका ही नहीं मिला। तो इस चक्कर में अभी वो जा रहे थे फर्स्ट टाइम बस स्टैंड पर, जो कि काफ़ी अच्छा था यहाँ का बस स्टैंड। वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा, तो देखना मत भूलिए ये वीडियो पूरा। सो पडेरू के लिए बस है, बस मिलती है प्लेटफॉर्म नंबर 17। लाइक यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर 10, 11, 12। सो विल गो लाइक दिस। एंड बाय द वे फॉर इन्फॉर्मेशन, वी हैव गॉट वंडरफुल टिकटिंग सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने आराम से सब चीज़ें हो रही हैं। एंड बसेस का लेआउट भी दिया गया है। इनफैक्ट टिकट्स आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, हमने रेड बस से की है, सो ईजिली हो जाती है। एंड ये यहाँ पे लोरो विंडोज, ये सब इसका टाइम टेबल दिया हुआ है। ओके, सो वी हैव टू गो टू प्लेटफॉर्म नंबर 17। अच्छा, फॉर इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छा मसाजिंग का भी दिया गया है। ओ वाह, फिश पेडिक्योर मेनिक्योर सब चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। सॉरी, पहली बार देख रहा हूँ कोई इतना अच्छा बस स्टैंड। एंड दे हैव रेस्ट रूम्स, टॉयलेट इज ऑल्सो अवेलेबल, फिर कुछ 5 करोड़ पर यूज। दे हैव इंक्वायरी काउंसर। एक्सक्यूज मी, ये पडेरू के लिए बस कहाँ से आएगा? 11 बजे गाड़ी 17 नंबर में आएगी। 17 ने तो पहले बुकिंग किया है वो। सेम गाड़ी आएगा 17 नंबर। टिकट ओके। एंड टिकटिंग का कितना प्राइस होता है यहाँ से टिकट लेता है तो पडेरू के लिए? 150 जी, 170। थैंक यू सो मच। सो इन्होंने बता दिया है बस आएगा 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 17। यहाँ ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक शॉप्स ये सब है। वाव, दे हैव ए वाटर डिस्पेंसर ऑल्सो, ग्रेट। और ये देखिए, और भी लोग उसी बस के लिए वेट कर रहे थे। कुछ लोग तो मतलब लग रहा था कि उसी रेस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रनर्स को शायद आप अपने शूज़ से पहचान सकते हो कि उन्होंने शूज़ पहना था, उनसे पता चल जाता कि हाँ वो रनिंग के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे अभी भी वो रुमाल डालने वाला सिस्टम है। इस बंदे ने ऊपर चढ़ के अपनी सीट पर रुमाल डाल दिया कि ये सीट मेरी है। और यहाँ पर आ गई थी राकेश की बस, और वो लोग जा रहे थे, निकल रहे थे। ये देखिए, जितना बस वहाँ पे पास में जाती जा रही थी ना, रास्ते उतने ही खूबसूरत होते जा रहे थे, क्योंकि वो एक हिल स्टेशन के पास में है और बहुत प्यारी जगह है, माउंटेन से घिरी हुई। वहाँ पे बहुत प्यारे टेंट है, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये था पडेरू का बस स्टैंड, जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके बाद इनको लेनी थी ऑटो, क्योंकि इन्होंने अपनी कैंपिंग साइट पर जाना था। तो वहाँ तक जाने के लिए उन्होंने हायर किया एक ऑटो।
ये फैमिली वीकेशन के लिए मतलब वीकेंड डेस्टिनेशन है, बहुत ही प्यारी जगह है। वहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा होता है और दिसंबर जनवरी फरवरी ये तो मंथ्स होते हैं जहाँ पे वहाँ पे अच्छे से विजिट कर सकते हो। और वहाँ पे एक पीक भी है जहाँ पे लोग जाते हैं, चढ़ते हैं, ट्रैक करते हैं, तो वहाँ पे राके जा रहे हैं 50 किलोमीटर दौड़ने। तो ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं टेंट, तो ये टेंट एरिया है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे टेंट बने हुए हैं, मतलब बहुत सारे हैं। ये देखिए पूरा ऊपर से कवर है, क्योंकि अभी ना कंटिन्यूस 2-3 दिन बारिश भी हो रही थी राइजक में, तो इस चक्कर में ये है टेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स उतरे थे, जहाँ पे बुकिंग होनी थी, जहाँ से टेस्ट स्टार्ट होनी थी, तो यहाँ पे सबसे पहले राकेश आए थे। फिर राकेश को यहाँ पर बुकिंग नहीं मिली क्योंकि ये सब पहले से ही ओवरफुल हो चुका था। तो राकेश जैसे यहाँ पर आए, उन्होंने चेकिन किया क्योंकि यहाँ पर ब्रीफिंग यहीं पर होनी थी शाम की और रेस की स्टार्ट भी यहीं से होनी थी। तो उन्होंने यहाँ से ही आसपास कोई देखना अपना टेंट स्टार्ट किया। वो वाला टेंट बहुत ही प्यारा है, वो बैकपैकर्स का है, तो वो बहुत अच्छा है। उसके बाद वो आए दूसरी जगह जहाँ पे उन्होंने रात को फोन वगैरह चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा इधर। और यहाँ पे शाम को था बेब कलेक्शन, कि आपने बेब कलेक्ट कर लो, टी शर्ट वगैरह कलेक्ट कर लो। तो उसके लिए यहाँ पे शाम को था अलग अलग पॉइंट्स बनाए हुए थे, 10 किलोमीटर, 25, 50, 80, तो सबकी अलग अलग जगह पे सबको अपने बेब कलेक्ट करनी थी। और यहाँ पे सामने दिख रहा था ये प्यारा सा टेंट, जो कि बहुत ही प्यारा था। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा रेनबो बन के आ रहा था ऊपर, कितना प्यारा रेनबो है। और यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी इनकी ब्रीफिंग, क्योंकि रूट बहुत ही टफ़ था, तो उसका मैप सबको बताया गया। पहले उनको गूगल मैप डाउनलोड करने के लिए बोला गया था और सब कुछ पहले ही उन्होंने बताया हुआ था कि ये सब है और रास्ते में मार्किंग की हुई है, रास्ता नहीं भटकना है, और बहुत सारी ब्रीफिंग की चीज़ें जो बताई गई थी। और उसके बाद क्या है, ये यम्मी सा गर्मा गर्म लंच, और वो भी बाहर में बारिश होते हुए, तो बहुत ही प्यारा व्यू था। और यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग में दौड़ने की तैयारी, तो राकेश अपने टी शर्ट पे बिब वगैरह लगा ली है, सब बैग वैग में अच्छे से सब चीज़ें पैक कर ली हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, तो बने रहिए मेरे चैनल पर।